हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरी जो खाला है उनकी हुई थी बेबी गर्ल। मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था, आपने देखा है कि पता नहीं, तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर वॉच करें। तो उस बच्ची की थी आज छठी, शायद हर जबान में छठी ही कहते हैं। तो हमें जाना था वहाँ, और जिसके लिए जो वहाँ पे फंक्शन था उसके लिए खाना बनाया था मेरी मामा ने। खाने में क्या था और क्या बनाया तो ये देखें, हम स्टार्ट करते हैं और आपने मेरे साथ एंड तक रहना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो आए देखें, मामू गए थे, ये व्लॉग बनाया है मामू ने, वो गए थे नीचे थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह करने, क्योंकि अब जो बनाना है उसके लिए सामान तो चाहिए ना। तो ये देखें, यह मामू ने सबसे पहले गए चिकन वाली दुकान में मेरे, तो उन्होंने ली वहाँ से चिकन। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चिकन को कट कर रहे हैं बड़े मज़े से, और ये थी 10 किलो चिकन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये साथ साथ वो भी कर रहे हैं, नाप तोल भी कर रहे हैं और ये बना भी रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ 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 रहिएगा, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे आगे जब हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। चने जी हमारी चिकन हो गई थी रेडी, और उसके बाद मामू गए दही वाली दुकान पे। दही वाली दुकान से इन्होंने लिया 2 किलो दही, और जैसे ही 2 किलो दही की नाप तोल करेंगे तो फिर देखते हैं कि कितनी देर में करते हैं। और यहाँ से दही लेके फिर चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे, और फिर आपको दिखाते हैं कि दही के बाद मामू ने क्या लिया। वगैरह लेने के बाद मामू आए सब्जी वाली दुकान पे, और यहाँ से इन्होंने लिए प्याज, आलू और अदरक लहसुन, सो ये सब वगैरह लिए है। क्यों ये लेकर उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं वो ये दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपने देखा हमारी सब्जी हो चुकी थी नाप तोल, फिर मामू गए नेक्स्ट दुकान पे कुकिंग ऑयल लेने, क्योंकि कुकिंग ऑयल में तो डलेगा ना। तो मामू ने यहाँ से ये ग्रॉसरी की, कुकिंग ऑयल की, और ये कुछ मसाले वगैरह लिए, और वो भूल गए थे धनिया वगैरह लेना, तो वो फिर से शॉप में गए और उन्होंने वहाँ से मिर्ची और धनिया।
वैसे उम्मीद तो करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा ही लग रहा होगा। ये व्लॉग बनाया है मामू ने, इसका क्रेडिट जाता है मामू को। उसके बाद उन्होंने सब सामान वगैरह लेने के बाद वो गए सारा लेने, क्योंकि हम बहुत बिजी थे, खाना वगैरह भी खाना था, घर में भी कुछ नहीं बनाया था क्योंकि बिजी थे, काम वगैरह था ना बहुत, बताया तो अभी आपको। तो ये देखिए मामू ले रहे हैं यहाँ पे सालन, और ये देखिए सालन बना रहे हैं, मतलब कि ना गरम गरम बने हुए तो पहले से ही होते हैं, जाहिर बात है होटल है, कुछ तो फ़ायदा होगा ना। और ये देखें कितने अच्छे से मतलब रखा हुआ है, साफ़ सफाई से सारे सालन रखे हुए हैं। और मामू ने लिया था दाल, क्योंकि हम सबकी फेवरेट दाल है। तो उन्होंने मामू को ये दाल वगैरह पैक करके दी, और ये देखें एक ही थैली ली थी क्योंकि इतने ज़्यादा खाने वाले बंदे भी नहीं थे। सब ग्रोसरी वगैरह से फ्री होके फिर मामू आए घर की तरफ, और ये देखिए मामू के हाथ में काफ़ी सामान वगैरह भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको दिखाई, चिकन वो पहले ही रख के गए थे, और बाकी का सामान उनके हाथ में है। अभी आ रहे हैं घर में, और उसके बाद जो व्लॉग सब बनाया है वो बनाया है मैंने। देखिए हम लोगों ने अदरक लहसुन को अच्छे से वो छीलिया, मतलब छिलका वगैरह रिमूव कर लिया, और यहाँ पे हम लोग कट कर रहे थे प्याज, और ट्रस्ट मी हमने 7 किलो प्याज कट की। कोई ये दुख समझ सकता है? नहीं ना, मतलब कि हम ये चता नहीं रहे, लेकिन बहुत आंसू थे आंखों में, सर में दर्द, इतना धुआं, और हम लोग के आगे सर रहे थे कि हमें किसी ने मार मार के फिर से मारा है। तो ये अदरक लहसुन मम्मा ने कर लिया था डन, और उसके बाद ही देखे ये प्याज अभी तक मतलब हो ही रहे हैं, छिल ही रहे हैं, इनके हम लोग छिलके रिमूव कर रहे हैं। और ये देखें ये कट चुके थे, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट शिफ्ट भी करते जा रहे थे। अब हमारे साथ साथ रहिएगा, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमने और क्या क्या किया। करेंगे उस सामान की अनबॉक्सिंग जो मामू लेकर आए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपको बाद में बताएंगे कि हम क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे कोरमा 10 किलो चिकन का से माशाल्लाह। तो मामू लेकर आए थे 4 कोरमे के मसाले, बाकी मामा ने घर के मसाले डाले थे, क्योंकि आपको पता है शेफ़ तो अपना दिमाग चला ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। यस माई मॉम इज़ शेफ़। तो देखिए वो बनाएंगी, तो मैं आपको सब दिखाऊंगी कि वो कैसे कैसे बनाती हैं और क्या प्रोसीजर है इसका, तो हम साथ साथ हैं ना। और मामू लेकर आए थे कोरमे में डालने के लिए लौंग, इलायची और धनिया पाउडर, एक तो धनिया होता है और एक धनिया पाउडर होता है। तो ये देखिए वो आपको दिखा रहे हैं, वो ये सब सामान भी लेकर आए थे। आपको तो पता है कि कोरमे में लौंग और इलायची डालना तो मस्ट होता है, क्योंकि इसके बगैर कोरमा तो अनकम्प्लीट होता है। ये देखें वो इलायची वगैरह तो थोड़े थोड़े से ही लाए थे, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी सी चाहिए थी, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए थी, वरना हर बाइट में ना लौंग और इलायची ही होती। तो जस्ट किडिंग। तो ये देखें ये वो ये 3 चीज़ें लेकर आए थे जिसके मैंने आपको बता दी है। और ये देखें ये लहसुन है, और हम इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। एक तो होता है ग्राइंड में, और ये होता है हमारे में मतलब इसको कुछ और बोलते हैं, आप किस ज़बान में क्या बोलते हैं आप बताएं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमारी ज़बान में क्या बोलते हैं। तो जब तक इसका पेस्ट बनता है तो फिर मिलते हैं आपसे। तो जी वहाँ पे पेस्ट बन रहा था, और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये है हमारे 7 किलो प्याज। और अब हम मम्मा इनकी करेंगे लाल थोड़ा सा, मतलब जो कोरमे की ग्रेवी वगैरह बनती है तो उसका ये प्रोसेस है। मम्मा ने डाला था 3 किलो ऑयल, फिर ये कम पड़ गया था, फिर मम्मा ने बाद में डाला था। और हमारे साथ साथ रहिएगा जब तक प्याज में हम सारा डालते हैं ऑयल, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो जी गाइस हमारे प्याज हो गए थे कुछ इस तरह से, और ये देखिए कि ये कैसे रेड रेड हो गए। फिर मामा ने इन्हें कर लिया अच्छे से ग्राइंड। तो ये देखिए ये ग्राइंड करने के बाद बन चुकी थी कुछ इस तरह से ग्रेवी। और अब हम डाल रहे थे कोरमे का मसाला। ये 4 पैकेट मामा ने पहले ऐड किए थे, और जो घर के मसाले थे वो मामा ने बाद में ऐड किए थे। वो भी मसाला वगैरह डालने के बाद मामा ने चिकन भी ऐड कर दी थी ताकि वो पकती रहे। और ये देखिए कि ग्रेवी भी कैसे हो चुकी थी, और चिकन भी अंदर पक रही थी, और काफ़ी हद तक चिकन पक भी चुकी थी।
जी हमारे कोरमा बनकर हो चुका था रेडी। और ये देखें, और अब मेरी जो कज़न है वो आपको इसमें चम्मच चला के दिखाएगी कि ये कैसा बना था और कितना मज़े का था। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो जैसे कि आपने देखा, कोरमा बन चुका था, उसके बाद हम हो रहे थे रेडी। ये मेरी ड्रेस है, ये मेरी मामा की ड्रेस है और ये मेरी कज़न की ड्रेस है। तो हम लोग होते हैं रेडी, उसके बाद हमें जाना है अपने खाला के घर। तो हमें रेडी वगैरह होने के बाद हम जा रहे थे अपने खाला के घर। और ये देखिए, हम रास्ते में जा रहे हैं और इतना दूर नहीं था, नज़दीकी था, तो हम खाला के घर पहुँच चुके थे। मतलब तो ऐसा ही रास्ता था, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। उसके बाद देखिए, वहाँ पे थी क्यूटी क्यूटी से बेबी से माशाल्लाह। उसके बाद हम जैसे गए तो सबसे पहले सबने खाया खाना, क्योंकि फंक्शन वगैरह तो बाद में भी होता रहता है लेकिन खाना ठंडा हो जाता, तो सबने खाना खाया। ये देखिए, खाना डिश आउट कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग व्लॉगिंग कर ली। और ये थोड़े से बच्चे थे, खाना खा रहे थे। और आप ज़रा देखिए कि मोबाइल से तो ध्यान हट ही नहीं सकता, क्योंकि यू नो न्यू जनरेशन का तो बेड़ा गरक है भाई। तो ये देखें, ये खा रहे थे खाना और ये कैसे मोबाइल में मस्त हैं। और ये मेरा क्यूट सा कज़न है। फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया था, हम घर आ रहे थे, तो मैंने बोला इससे भी थोड़ी सी बातें करें। और इसने बहुत काम किया आज, सबको पानी पिलाया, बहुत अच्छा बच्चा है। और ये मानूर मैडम के नखरे नहीं ख़त्म होते, ज़िद कर रही थी। और देखें, फाइनली फाइनली ये मान गई। उसके बाद ही जा रही है नीचे और लोग हाथ से पकड़ते हैं, और इस मैडम ने मेरी शर्ट से पकड़ा हुआ था कि चलो चलें, और किसी के पास नहीं जा रहे थे। तो फंक्शन वगैरह जैसे ख़त्म हो गया, हम आ रहे थे घर। और ये देखिए, हमारे घर के नीचे मार्केट वगैरह भी सब बंद हो चुकी थी। ओके, तो अब मेरा व्लॉग हो चुका था बहुत लंबा। अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।